26 जनवरी के ऐतिहासिक मौके पर टीम इंडिया ने अपने फैंस को दिया जीत का एक नायाब तोहफा। नमस्कार, मैं हूं अखिल गुप्ता। स्पोर्ट्स वीकी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच दूसरा T20I मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए पूरे 7 विकेट से मैच को जीतकर अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के साथ हुई और टीम के कप्तान केन विलियमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले मुकाबले में रनों का अंबार लगाने वाली कीवी टीम इस मैच में 150 रन का आंकड़ा भी पार ना कर पाई और अपने 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर टीम ने सिर्फ 132 रनों का स्कोर बनाया। बात अगर कीवी टीम के बल्लेबाजों की करें तो अधिकांश सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी उस स्टार्ट का फ़ायदा नहीं उठा सका। कोई भी उस पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में असफल रहा। बात अगर हम टीम इंडिया के गेंदबाजों की करें तो पहले मैचों में जमकर रन लुटाने वाले टीम इंडिया के गेंदबाज इस मैच में बड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते नजर आए। खासतौर पर रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज वो आज के मैच में रहे। उनके खाते में 2 विकेटें आई और न्यूजीलैंड की टीम को 132 रनों तक रोकने में हमारी टीम के गेंदबाज सफल रहे। भारतीय टीम के सामने मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 133 रनों का लक्ष्य था। शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल से उम्मीद थी कि इस मैच में भी टीम इंडिया को वो एक अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहेंगे और देखने को भी बिल्कुल ऐसा ही मिला। रोहित शर्मा हालांकि फिर से फ्लॉप रहे, पिछले मैच में भी उनका बल्ला खामोश था। इस मैच में भी हिटमैन एक बड़ी पारी खेलने में असफल रहे, लेकिन केएल राहुल ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा। जो फॉर्म उनकी भारतीय सरजमी पर देखने को मिली थी वही न्यूजीलैंड में भी देखने को मिली। पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, इस मुकाबले में भी 50 गेंदों का सामना करते हुए 57 रनों पर वो नाबाद लौटे और टीम इंडिया को जीत दिलाई। कप्तान विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलने में असफल रहे, सिर्फ 11 रन उनके बल्ले से निकले, लेकिन एक बार फिर से नंबर 4 के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने काफ़ी प्रभाव छोड़ा। श्रेयस अय्यर ने 33 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 44 रन बनाए। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच 86 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली, जो तीसरे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने की, और उसी पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया। न्यूजीलैंड और भारत के बीच अब तीसरा मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। ये मुकाबला हैमिल्टन के मैदान पर होना है और अगर न्यूजीलैंड को इस 5 मैचों की श्रृंखला में वापसी करनी है, भारतीय टीम को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो 29 तारीख का मुकाबला उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। वहीं भारतीय टीम अगर मैच जीतने में सफल रहेगी तो ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर लेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्पोर्ट्स विकी पे आप लगातार बने रहें और अगर आप चाहते हैं खेल की खबर सबसे पहले प्राप्त करना तो हमारे स्पोर्ट्स विकी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।